गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर सीरीज के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग मीडिया कन्वर्टर्स के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी मीडिया कन्वर्टर्स का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर क्या होता है? मीडिया कन्वर्टर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो अलग अलग तरह के नेटवर्क मीडिया को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। सपोज मेरे पास एक मीडिया है जो कि फाइबर है, दूसरा जो मीडिया है वो इथरनेट है। ये दो अलग तरह के मीडिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल हम लोग फाइबर से कॉपर यानी RJ45 में भी कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, सिंगल मोड से मल्टी मोड फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, कोएक्सियल से कॉपर यानी RJ45 में भी कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं व्हाई वी यूज मीडिया कन्वर्टर, हम लोग मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो आपके पास स्विच या फिर राउटर अवेलेबल है उसके अंदर सिर्फ यूटीपी पोर्ट जिसे हम RJ45 कहते हैं सिर्फ वो अवेलेबल है, लेकिन जो आपका इंटरनेट या फिर जो अपलिंक आ रहा है फील्ड से वो फाइबर केबल के थ्रू आ रहा है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं फाइबर केबल का इस्तेमाल करके। मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल हम लोग सिग्नल के लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए भी करते हैं। मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल अगर आपके पास कोई ओल्डर नेटवर्क है उस नेटवर्क को आप न्यू नेटवर्क में न्यू सेटअप में आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो बगैर पूरे सिस्टम को अपग्रेड किए हुए आप मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं हाउ मीडिया कन्वर्टर वर्क्स। मीडिया कन्वर्टर आखिर काम कैसे करता है। मीडिया कन्वर्टर के अंदर आपको दो पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। पहला पोर्ट होता है यूटीपी जिसे हम RJ45 पोर्ट कहते हैं, दूसरा पोर्ट जो है वो आपको फाइबर पोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। एक साइड पे ये क्या करता है कि जो आपका यूटीपी केबल के थ्रू आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे एंड पे ये जो फाइबर केबल के थ्रू ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा होता है उस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से करके ये मीडिया कन्वर्टर जो है वो काम करता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर जो है वो कितने तरह का होता है। सबसे पहला है फाइबर मीडिया कन्वर्टर, इसके अंदर आपको दो तरह का देखने के लिए मिलेगा, LC टाइप मीडिया कन्वर्टर, उसके बाद आपको SC टाइप मीडिया कन्वर्टर। ये जो SC टाइप वाले मीडिया कन्वर्टर है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगला आता है आपका SFP मीडिया कन्वर्टर, सिंगल मोड मीडिया कन्वर्टर, मल्टी मोड मीडिया कन्वर्टर, उसके बाद आपका है POE मीडिया कन्वर्टर, नॉन POE मीडिया कन्वर्टर, और आपको मैनेज्ड मीडिया कन्वर्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा अनमैनेज्ड मीडिया कन्वर्टर। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो अलग अलग तरह के मीडिया कन्वर्टर है ये कौन कौन से ब्रांड में अवेलेबल है, इसका क्या मॉडल है, और उस मॉडल का हम अपने प्रोजेक्ट में हम अपने डिजाइन में किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मीडिया कन्वर्टर आपको दिख रहा है ये टीपी लिंक ब्रांड का मीडिया कन्वर्टर है। ये एक मल्टी मोड मीडिया कन्वर्टर है जिसके अंदर मल्टी मोड डुअल फाइबर SC टाइप का जो कनेक्टर है वो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इसके हम मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल है MC200CM। ये वाले मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल हम 550 मीटर तक के डिस्टेंस को कवर करने के लिए करते हैं। अगला मीडिया कन्वर्टर जो है ये भी एक टीपी लिंक का मीडिया कन्वर्टर है, बट ये वाला मीडिया कन्वर्टर जो है आपका वो सिंगल मोड मीडिया कन्वर्टर है। इसके अंदर सिंगल मोड डुअल फाइबर और SC कनेक्टर टाइप वाला ये मीडिया कन्वर्टर है। अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल है MC210CS। ये वाले मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल हम लोग 2 किलोमीटर तक के डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए करते हैं। उसके बाद जो अगला आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये भी अगेन एक टीपी लिंक का मीडिया कन्वर्टर है, बट ये वाला जो मीडिया कन्वर्टर है वो WDM मीडिया कन्वर्टर है जिसके अंदर आपको एक सिंगल फाइबर देखने के लिए मिलेगा, सिंगल मोड का
सिंगल फाइबर SC कनेक्टर वाला मीडिया कन्वर्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मॉडल है TL-FC311A-2-2, मींस ये 2 किलोमीटर तक के डेटा को ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अगर A-20 वाला मॉडल है तो उस केस में आप इसको अप टू 20 किलोमीटर तक के डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला मीडिया कन्वर्टर जो है ये एक प्लानेट ब्रांड का मीडिया कन्वर्टर है। ये एक मल्टी मोड मीडिया कन्वर्टर है जिसमें जो फाइबर यूज हो रहा है वो मल्टी मोड फाइबर, बट यहाँ पर डुअल फाइबर का इस्तेमाल हो रहा है और इसके अंदर जो कनेक्टर है वो SC टाइप का कनेक्टर है। इसकी मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल है GT-802। ये वाले मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल हम लोग 550 मीटर तक के डिस्टेंस को कवर करने के लिए करते हैं। प्लानेट का जो मीडिया कन्वर्टर है वो डिन रेल में अवेलेबल है। इसका इंस्टॉलेशन आप डिन रेल के थ्रू कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक पावर अडाप्टर मिल जाता है जिस पावर अडाप्टर की हेल्प से आप मीडिया कन्वर्टर को पावर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगला मीडिया कन्वर्टर जो है ये भी अगेन आपको प्लानेट ब्रांड का मीडिया कन्वर्टर है, बट ये सिंगल मोड मीडिया कन्वर्टर है। इसके अंदर अगर हम फाइबर की बात करें तो सिंगल फाइबर यूज हो रहा है, फाइबर जो है वो डुअल फाइबर है और इसके अंदर कनेक्टर का जो टाइप यूज हो रहा है वो SC टाइप का कनेक्टर यूज हो रहा है। अगर इसके मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल है GT-802S। ये जो मीडिया कन्वर्टर है वो 20 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को कवर करता है। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डेटा को ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो ये वाले मॉडल का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला मीडिया कन्वर्टर जो है ये भी अगेन प्लानेट ब्रांड का मीडिया कन्वर्टर है, बट ये जो है SFP मीडिया कन्वर्टर है। इससे पहले आपने जितना देखा वो SC टाइप वाला था, ये जो है SFP वाला है। इसके अंदर आपको एक SFP पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। ये SFP पोर्ट जो ये ब्लैंक होता है, ये सिंगल मोड एंड मल्टी मोड दोनों भी तरह के SFP को सपोर्ट करता है। तो आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग SFP का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको एक RJ45 का पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल है GT-805A। अगला मीडिया कन्वर्टर जो है ये भी एक प्लानेट ब्रांड का मीडिया कन्वर्टर है, बट ये वाला मीडिया कन्वर्टर कुछ खास है। ये मीडिया कन्वर्टर जो है आपका इंडस्ट्रियल ग्रेड का है। इससे पहले आपने जितना भी देखा वो नॉन इंडस्ट्रियल ग्रेड था जिसका हम इंडोर पर्पस के लिए यूज करते हैं। इंडोर वाले ऐसे मीडिया कन्वर्टर को आप आउटडोर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आउटडोर का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से आपका मीडिया कन्वर्टर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्लानेट ने इंडस्ट्रियल ब्रांड का मीडिया कन्वर्टर जो है वो डिजाइन किया है, जिसकी अगर हम मॉडल की बात करें इसका मॉडल है IGT-805AT। इसके मॉडल को कैसे पहचानेंगे तो यहाँ देखिए IG से शुरू हो रहा है, आई फॉर इंडस्ट्रियल, जी फॉर ग्रेड। तो जैसे ही आप IGT देखेंगे तो आपको समझ जाना है कि ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का मीडिया कन्वर्टर है। ये भी SFP बेस्ड मीडिया कन्वर्टर है। चलिए अब हम लोग आगे जो अगला आपको दिख रहा है मीडिया कन्वर्टर, ये भी एक प्लानेट ब्रांड का मीडिया कन्वर्टर है, बट ये वाला जो है वो SFP प्लस मीडिया कन्वर्टर है जिसका मॉडल है IXT-705AT। अगला मीडिया कन्वर्टर जो है ये भी प्लानेट ब्रांड का है, बट ये वाला जो मीडिया कन्वर्टर है SFP प्लस प्लस मैनेज्ड मीडिया कन्वर्टर है। अगर आप मैनेज्ड मीडिया कन्वर्टर की तलाश में हैं तो आप ये वाला मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका मॉडल है IXT-900-1X1T। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो मीडिया कन्वर्टर है उसकी कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, इसका बेसिकली यूज कैसे होता है। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा कैमरा लगा हुआ है, या हमने दो मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल किया है। एक कैमरे साइड पे एक हमारा मीडिया कन्वर्टर लगा हुआ है, दूसरा हमारा ये जो है ये हमारा कंट्रोल रूम है जहां पर हमारा स्विच या फिर राउटर रखा हुआ है, और यहाँ पर भी हमने एक मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल किया है। हमारे कैमरे से एक UTP केबल यहाँ से निकलता है और ये UTP केबल आपके पहला वाला जो मीडिया कन्वर्टर है उसके RJ45 पोर्ट पे जाकर कनेक्ट होता है। ये वाले मीडिया कन्वर्टर का जो यहाँ पर फाइबर पोर्ट है, यहाँ पर हम एक फाइबर केबल कनेक्ट करते हैं और ये फाइबर यहाँ ऐसे होते हुए दूसरे वाले मीडिया कन्वर्टर के फाइबर पोर्ट पे जाकर कनेक्ट होता है। दूसरे वाले मीडिया कन्वर्टर के RJ45 पोर्ट पे हम एक UTP केबल कनेक्ट करते हैं और उसको हम अपने कंट्रोल रूम के अंदर जो हमारा स्विच या राउटर लगा हुआ है उसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से करके जो हमारा कैमरा है, यहाँ पर कैमरे का जो डेटा है वो हमारे स्विच या राउटर तक पहुंच जाता है। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा कोई दो लोकेशन है, लोकेशन ए एंड लोकेशन बी।
उसमें क्या करना है, हमें इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पहुंचानी है। ये फर्ज करिए कि हमारा यहाँ पर ये एक लोकेशन है, हमारा लोकेशन ए, और ये हमारा दूसरा लोकेशन है लोकेशन बी। लोकेशन ए के ऊपर हमारा राउटर लगा हुआ है, इस राउटर के अंदर इंटरनेट है, और हमारा पर्पस क्या है कि हमारा जो ये बी लोकेशन है ये कोई 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कनेक्ट है, तो हमें ए लोकेशन से बी लोकेशन के ऊपर इंटरनेट पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 मीडिया कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। एक मीडिया कन्वर्टर जो है लेट सपोज हम राउटर वाले इंड पे यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा मीडिया कन्वर्टर जो है हमारा जो अगला बी लोकेशन है वहां पर एक मीडिया कन्वर्टर का हम यूज करेंगे। यहाँ राउटर से एक हम यूटीपी केबल निकालेंगे और इस यूटीपी केबल को जो पहला मीडिया कन्वर्टर है उसके RJ45 पोर्ट पे कनेक्ट कर देंगे, और फिर पहला वाला जो मीडिया कन्वर्टर है वहां से एक हम फाइबर केबल निकालेंगे, उस फाइबर केबल को दूसरे वाले मीडिया कन्वर्टर के फाइबर पोर्ट पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो हमारा एक यूटीपी पोर्ट के थ्रू एक यूटीपी केबल निकालेंगे, और फिर इसको हम जो हमारा राउटर है बी लोकेशन पे रखा हुआ उस राउटर के अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से करके ए लोकेशन से बी लोकेशन तक हम इंटरनेट बहुत ही आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग, आप अपने प्रोजेक्ट के डिजाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से इस मीडिया कन्वर्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग किसी और टाइप के मीडिया कन्वर्टर, पीओई, पीओई प्लस, पीओई प्लस प्लस के बारे में जानेंगे। आई होप ये वीडियो आपके प्रोजेक्ट में, आपके डिजाइन में बहुत ही यूजफुल होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।